ये बता दे मुझे अखियाँ है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, माफी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और दिल से बड़ा ज़र्फ, जो कि आपके पास तो है ही नहीं। हाँ, दिल तो सिर्फ तुम्हारे पास है और तुम्हें उसका इस्तेमाल करना भी आता है ना? अरे कहाँ जा रही हो तुम? लेने तो जाओ ना मैं उसे। तेरी तबीयत ठीक नहीं है। और भी गई मेरी तबीयत। तू समझ क्यों नहीं रही है, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। मेरी बच्चियों को अम्मी उसके बाप ने छोड़ा है, मैंने नहीं। वो मेरी बच्ची है रमशा, वो स्कूल में है। वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? आपने रोका क्यों नहीं? मैंने तो रोका था, अब वहीं कब निकल के चली गई। अरे कैसा स्कूल है आपका, एक बच्ची नहीं संभाल सकते आप लोग, आपने जाने कैसे दिया उसे? आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ ही ढूंढेंगे। रहने दें आप, एक बच्ची नहीं संभाल सकते आप, अब कहाँ ढूंढने फिरेंगे आप उसको मेरे साथ? क्यों रो रही हो? क्या नाम है आपका? रमशा। बाबा नहीं है आपको स्कूल से लेने के लिए? मैं तो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। मुझे तो आपके बाबा ने भेजा था आपको लेने के लिए। आप मुझे मेरे बाबा के पास लेकर जाएंगे? क्यों नहीं, चले जाओ। भाई एक बच्ची आपने देखी है, यूनिफॉर्म पहना हुआ था उसने? हाँ, यह आई थी एक बच्ची। कहाँ गई? किसी बंदे के साथ गई थी। किस तरफ? इस तरफ गई मेरा ख्याल है। अरे तुम खामोशी से चलती रहो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे बाबा सरप्राइज है ना तुम्हारे लिए। बा, 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 देखना कुछ नहीं, देखना कुछ नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए खुलिए आके। सलमान थैंक यू। यू वेलकम। ऐसे ही देखते रहेंगे? क्या करूं, तुम्हें देखने से जी नहीं भरता। पता है सलमान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने किसी ख्वाब में मौजूद हूं।
और तुम्हारे उस ख्वाब में हम कहाँ हैं, हमारी क्या जगह है? ये ख्वाब ही आपकी वजह से, मगर आप ख्वाब नहीं हकीकत है, क्योंकि आपने मेरे ख्वाबों को हकीकत का रंग दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरी सालगिरह इतनी खुशी से मनाएगा, क्योंकि इस दिन पे हमेशा मेरी माँ रोई है और मेरी सालगिरह तो हमेशा न्याज बांटते ही गुजरे है, मगर आज पहली बार मैं अपनी सालगिरह इतनी खुशी से मना। आज के बाद अपनी जिंदगी की हर सालगिरह इससे भी ज्यादा खुशी से मनाओगे, और मैं कोशिश करूंगा कि कोई तकलीफ तुम तक ना पहुंचे। ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मगर सलमान मैं किसी का हक नहीं मारना चाहती। जब इस दिल में कोई बसा ही नहीं है तो हक मारना कैसा। मेरा दिल बिल्कुल खाली है, बंजर जमीन की तरह, एक खोखले डब्बे की तरह। यहां आ रहा, मेरे इस दिल को अपनी मोहब्बत से भर दो। बोलो, मेरा साथ कबूल है? ठीक काटें, वन मिनट। हाथ लगी है ना, हाय पर जा, मैं तुझसे नाराज हूँ। तू अपनी माँ को तन्हा जहन्नुम में छोड़ के खुद मजे उड़ाती फिर रही थी। हैरत है, एक लड़की जिसे आप जानती नहीं उसे आपने अपने पास आने दिया, उससे बातें की, उसके हाथ से खाना खाया, ऐसा क्या कहा उसने आपसे? कमबख्त, कैसा बाजा पैदा किया जो बजना ही बंद नहीं हो रहा। इसमें इतना गुस्सा करने की जरूरत? आजी बढ़ा दे शरीफा। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आई हूँ कि जितना भी हो सके उस लड़की से दूर रहिए। आई मनहूस, चुपने वाली आवाज है कानों को। हाय कैसी नागिन, अपने जहर में सबको बुझा के रख दिया। अपनी जान दे दे। देखो ताहिरा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली। कैसी माँ है? ऐसे भी जिए, औलाद की फिक्र नहीं है? रोए जा रही है, रोए जा रही है। मुझे ये तो तसल्ली है। कमबख्त की ऐसी चुभने वाली आवाज है, मुर्दे कब्र से उठ के आ जाए, माँ को फिक्र। मेरे लिए रोने को कोई है? हैं? लेकिन मुझे यूं लगता है। इसके कमरे में क्या करने जा रही है? कि तुम अपने आप को ऐसे मकाम पर ले आओगे कि तुम्हारे लिए कोई रोने वाला नहीं। ऊंचा बोल ले। आप ये सोचती हैं मेरे बारे में? कैसे बिलक बिलक के रो रही है? आप सलमान से आपको फोन करें ना, रुबीना बीबी को बहुत काफी देर हो गई, पता नहीं अभी तक पहुंची भी है कि नहीं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, शाम होने को आई है। तुम ऐसा करो, रुबीना को फोन करो। दादी, दादी आपको पता है मुझे वहाँ? अरे बेटा ये इसको देखो, ये कितने रोए चले जा रही है। खाए जी, क्या हुआ इसे? बहुत तेज बुखार है। आई क्या हो गया आपा, एक बच्ची नहीं संभाली जा रही, लाओ दो मुझे। अरे तुम ये सब रहने दो, तुम मुझे जहां का नंबर दो, सलमान का नंबर बंद आ रहा है। जहान के पास कहां से आ गया फोन आपा?
हम माँ बेटी के पास तो वही 1500-2000 वाला फोन है। और यकीन मानो सलमान को बहुत फोन किया ये शोर शराबा सुन के, मिलके ही नहीं दिया नंबर उसका। आप घूरियां तो ऐसे मार रही हो जैसे पता नहीं मैंने ही सलमान से कहा नंबर बंद करने का। कसम अल्लाह की मैंने तो उसे इतना समझाया मगर वो मेरी मान ही नहीं रहा। अब क्या करें, खामखा में बच्ची तो मेरी रुल रही है ना बीच में। यहाँ मेरी बच्ची तकलीफ में है और आपके रोने नहीं खत्म हो रहे। नहीं आता इसका बाप तो ना आए, लेकिन मैं भी जिंदा हूँ, मैं लेकर जाऊंगी इसे। अरे रुक जा, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, जाएगा। थैंक यू सलमान। थैंक यू फॉर व्हाट? मुझे जिंदगी की खूबसूरती दिखाने के लिए। आज का दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है। यू वेलकम। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं जा रही हूँ। आए बेटा छोड़ ना, ला दे मुझे दे, मैं इसके सीने पे तेल मलूंगी, ठीक हो जाएगी। खबरदार कोई हाथ ना लगाए मेरी बच्ची को, मैं अकेले काफी हूँ। ला मुझे दिखा बेटे। इसकी तो पसलियां चल रही हैं, इसको निमोनिया हो गया लगता है। मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। दे मुझे, दे मुझे, क्या हो गया रुबीना भाभी, क्यों इतना रो रही है? तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से आज मैं सब कुछ खो देती। दफा क्यों नहीं हो जाते इस घर से, घटिया औरत। अपनी जबान को लगाम दो वरना गुद्दी से जबान खींच लूंगा तुम्हारी। पागल हो ही चुकी हो, हमें भी कर दो। मैं सो गया, इसकी झूठी मोहब्बत ने पट्टी बांध दी आपकी आंखों पर। अंधे हो गए, कुछ दिखाई नहीं देता आपको। हाँ हो गया अंधा, नहीं दिखाई देता कुछ। अब मिला दिल को सुकून, यही सुनना चाहती थी। अब चलो अंदर चलो, मैं देखता हूँ कैसे लेके जाती है उसको। आप इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे तो मैं नहीं लेकर जा सकती। इसके बाप का एहसास मरा, इसकी माँ भी जिंदा है, छोड़े मुझे। अरे रुबीना, रहने दो, जाने दो इसको, पागल हो गई है। तू बेटा है, बेटा बन के रह, खुदाई फौजदार ना बन। मैं तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूँ, खुदा को मुंह दिखा रहा है मैंने। चल ये अपना शुद्ध दोष हो। तरीका था मियाँ से बात करने का? अरे हमारे जमाने में मियाँ की बात पत्थर पे लकीर हो जाती थी, मर जाते थे, हिलते नहीं थे अपनी जगह से। तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां तो दीदा हवाई हो गई हैं। सही कह रही हो अम्मा, कुर्बे कयामत ही तो है ये। अरे क्यों करना वो कयामत भाई, जब माँ अपने सगे बेटे को छोड़ के गैरों के साथ मिल गई। आपा से ये तवक्को नहीं थी मुझे, सलमान को छोड़कर रुबीना का साथ देगी, इसलिए तो उनको इतनी शय मिली है। इतना खुशी खुशी मैं और सलमान इस घर में आए थे, इतने दिनों बाद सलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, इतनी मुश्किल से तो रिलैक्स हुए थे ये। मगर वो ही इस घर में आते ही वो ही मसले शुरू हो गए। मुझसे किसी को कोई मतलब नहीं है।
सबने मुझे एटीएम मशीन समझा, वो एटीएम मशीन जिससे बस पैसे निकल। और नहीं तो क्या, बच्चियां बीमार हो तो मैं देखूं, स्कूल के मसाइल हैं तो मैं देखूं, छोड़ने मैं जाऊं लेने मैं जाऊं, कभी ये बच्ची बीमार कभी वो बच्ची बीमार। डॉक्टर डॉक्टर मेरी बच्ची, डॉक्टर खुद को संभालिए, आपकी बच्ची की हालत ठीक नहीं है, मैं उसे देख रही हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं उसे बताती हूँ। क्या हुआ है उसे, वो रोते रोते चुप हो गए। वो ठीक हो जाएगी। अरे ले भी आ चाय जहान, बेहतर है कि मरी जाए, मेरी खुशी का एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ इन लोगों से, बर्दाश्त कर लेते कौन सी कयामत आ जाती। सलमान चाय पी रहे, उसका फोन आ गया। हेलो, क्या सलमान बेटा, वही हुआ जिसका डर था, बच्ची मर गई। माँ क्या कह रही हो, माँ की लापरवाही ने बच्ची को मार दिया, माँ हमारी गुड़िया मर गई, मर गई तेरी गुड़िया। माँ की लापरवाही की नजर हो गई, तेरी गुड़िया काम से हो गई, चल जा गरम दाल ले क्या। खाने में जब कोई मुझे टोकता है ना, जहर लगता है मुझे, जहर जहर। नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो सकता, वो झूठ के है। कुछ नहीं हो सकता, कि मैं माँ से नाराज हो गई, सो गई, कर बस, ये रो रही थी, क्यों सो गई ना, नहीं ये सोएगी नहीं, इसे रुलाओ, इसे कुछ नहीं हुआ है, रुबीना, ये उठ जाएगी अभी, रुबीना, इसे रुलाओ, इसे रुलाओ, ये भी उठेगी, ये भी उठेगी, अभी रोएगी, अपनी माँ से नाराज हो गई है, अपनी माँ से नाराज हो गई, ये भी रोएगी। हाथ मत लगाए, क्यों आए आप, क्यों आए आप, क्यों आए, मेरी बात मर गई हो, काले मार दिया मेरी बच्ची, वो लेके चले गए मेरी बच्ची, वो लेके चले गए। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मैं तो कभी कभी उनकी तरह बनने की कोशिश भी करती हूँ, उनकी तरह चलने की कोशिश करती हूँ। खुदा गवाह है, साल का ये दिन इंतहाई मनहूस साबित हुआ है। पूछो क्यों? क्यों भाई, तू भी आज ही के दिन पैदा हुई, तेरा बाप आज के दिन मरा, हाय अब दिल को धड़का लगा हुआ है, यूं लग रहा है जैसे आज भी कुछ ना कुछ होने वाला है।
अम्मा तुम्हारे लिए होगा ये मनहूस दिन, मेरे लिए तो ये दिन बहुत खुशियां लेकर आया है। मैं भी तो सुनू कौन सी खुशियां ले आया है। सलमान ने दिया है उतार उतार वजन देखो भारी है। अम्मा असली सोने के डायमंड्स भी लगे हुए हैं। हीरे? अरे वाह, तूने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी ऐसी अंगूठी। कहाँ देखी ख्वाब में, तेरे बाप ने आज तक सिवाय गुर्बत दुख और परेशानी के एक चीज जो ला के दी हो मुझे। जहान क्या सोने की चुड़िया हाथ लगी है ना। हाय पर जा, मैं तुझसे नाराज हूँ। तू अपनी माँ को तन्हा जहन्नुम में छोड़ के खुद मजे उड़ाती फिर रही थी। अरे मेरी प्यारी अम्मा, तुम्हें भी ना कबाब में हड्डी बनने का बड़ा शौक है। तुम अगर साथ आती ना तो सलमान मुझे यही नुक्कड़ से बन कबाब लेके खिला देता। अच्छा चल फजूल बातें ना करिए, जो रोलर पोलर डाले हुए ना इनको जरा खोल और मेकअप धो, उनको लगे हमें भी कोई दुख है। मुझे क्यों होगा दुख, उसकी बेटी मरी है, मेरे लिए तो ये दिन बहुत खुशियां लेकर आया। कम बहुत मरी, आहिस्ता बोल मनहूस, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए तेरे। आए उठ जा उठ जा उठ जा, बकवास कर रही हूँ मैं तुझसे। अच्छा माँ उठ रही हूँ ना, एक बार में सुना कर माँ की बात। अश्रे शरीफन, उससे बहुत बात करने की कोशिश की लेकिन उसके घर वालों ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दी। मुझे यकीन है सुकून मिल गया तुझे, देख लिया तूने अपने नफरत का अंजाम, तेरी इसी नफरत ने तेरी बच्ची को मारा है, तेरी वजह से वो मर गई। अरे कितने फोन किए थे रूबीना ने तुझे, तड़प रही थी बच्ची, मगर तू तुझे अपने कामों से फुर्सत ही नहीं, तू अपनी बच्ची के लिए अपने काम नहीं छोड़ सकता था। कैसा बाप है तू। ये बच्ची बच सकती थी अगर रुबीना ने तवज्जो दी होती, अपना फर्ज पूरा किया, मगर उसको तो रोने से ही फुर्सत नहीं थी, बच्ची कैसे पालती। हैरत हो रही है मुझे, बजाय इसके कि तू अपनी गलती माने उल्टा इल्जाम तराशी कर, शर्माती है मुझे कि तू मेरा बेटा है, एहसास मर गया है तेरा, तू इतना बेहिस हो जाएगा मुझे अंदाजा नहीं था, सब कुछ तुझे अपने ही हाथों बर्बाद कर दिया है। क्या मैंने बर्बाद किया? मैंने किया ये सब? हाँ तूने किया है, अपनी बीवी को अपनी माँ को अपनी बच्ची को हमारे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया है तूने, गुनाहगार है तू हमारा। सलमान मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। ये प्लेट इधर दे मुझे और तू जाके बाहर का चक्कर लगा ले, मैं बिरयानी खा के अभी आती हूँ, जा। तू ना मेरी जान से ही चिपकी रहना, यानी कि दो घड़ी मुझे सुकून से खाने दे। अरे जाओ ना, ऐसा ना कोई ढूंढता ढांढता हमें इधर आ जाए। मैं दूंगी हजार इसके कान में, मैं हजार दूंगी इसके कान में, हजार बिना इसके। अल्लाह क्यों सजा है मुझे। ये लो पी लो दूध, पी लो भी, मम्मा आ जाएंगी थोड़ी देर में, पी लो ना बेटा। हाँ मम्मा आ जाएंगी, आप दूध पी लो। शफोगी मम्मा कहाँ है? बेटा सब अस्पताल गए। अस्पताल क्यों गए हैं? आपकी बहन की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए आप रो रही हैं। जहान आंटी कह रही थी कि हमारी बहन मर गई है, क्या वो सच कह रही हैं? हाँ बेटा तुम्हारी बहन बहुत दूर चली गई है।
वो मर गई है तो बाबा वापस ठीक हो जाएंगे ना, बाबा वापस मेरे पास आ जाएंगे ना। दरवाजा खोले, मुझे मेरी बच्ची दे दे, मेरी बच्ची मेरे हवाले करो, पागल हो गए होंगे आप लोग, वो भूखी है, वो भूखी है, मेरी बच्ची मुझे दे दो। क्या क्या हो गया, पागल हो गई हो, मर चुकी है तुम्हारी बेटी, होश में आओ। खबरदार, खबरदार, वो जिंदा है, वो जिंदा है, मैं उसे घर लेकर जाऊंगी। दरवाजा खोलो, मैं उसे अपने साथ घर ले जाऊंगी। दरवाजा खोलो। समझ क्यों नहीं रही हो, क्यों नहीं समझ रही हो, पागल हो गई हो? ये पागल हो गए, वो ठीक है, हमारी छोटी हमें छोड़ के चली गई, अब इस दुनिया में नहीं है बेटा। उसके साथ है मैं दूंगी, मैंने उसके बिना हाथ पकड़ा था, वो जिंदा है, जिंदों को नहीं दूंगा मैं। आप सब, मैं तो आपकी बात मानती हूँ ना, मैं मानती हूँ ना आपकी बात, मेरी बात होश में आओ। चले, मुझसे नहीं जाया जाएगा इमरान, आप चले जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो तबस्सुम, तुम ही नहीं तो जाके भाभी को हौसला देना। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूंगी मैं उनसे, काश सलमान भाई इस बच्ची को प्यार दे देते और अल्लाह करे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर एहसास हो भी जाए तो अब क्या फायदा, बच्ची की जान तो चली गई ना। मुझे यकीन नहीं आता इतना प्यार करने वाला शोहर एक बेटे की मोहब्बत में इतना बदल गया। बेटा हो या बेटी, औलाद की नेमत तो नसीब वालों को मिलती है, जिस नेमत की उसने कदर ही नहीं की। कैसे सबर आएगा रुबीना भाभी को, इतनी छोटी सी बच्ची थी वो, मुझे तो सोचकर ही अजीब लगता है इमरान। हिम्मत रखो तबस्सुम, तुम सोचो रुबीना भाभी का क्या हाल होगा, हमें जाकर उन्हें हौसला देना है, तसल्ली देनी है। अगर तुम ऐसे हिम्मत हार गई तो उनको हौसला कौन देगा? कहाँ से लाऊं हौसला इमरान, सलमान भाई ने तो इतना नाशुक्रापन किया है, खुदा उन्हें इसकी सजा जरूर देगा। सजा और जजा खुदा के हाथ में है, बस तुम ये दुआ करो कि अल्लाह उसको नेकी की हिदायत दे। भाभी चलो उठो, चलो
हाय ये क्या कर रही है? वहां मैयत रखी है तो यहाँ बिरयानियां फोड़ रही है। अरे वहां बस भी कर दे, कब तक चलेंगे ये ड्रामे? अभी तो वक्त लगेगा। आई कहाँ से ये? मैंने ना अम्मा पहले से ही ऑर्डर कर दी थी, कसम से बहुत भूख लग रही थी, तुझे तो पता ना मुझसे भूख बिल्कुल नहीं बर्दाश्त। भूख तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं है, पर क्या करूं वहां भी तो जाना है। जहान एक काम कर, ये प्लेट इधर दे मुझे और तू जाके बाहर का चक्कर लगा ले, मैं बिरयानी खा के अभी आती हूँ, जा। तू ना मेरी जान से ही चिपकी रहना, ये नहीं कि दो घड़ी मुझे सुकून से खाने दे। जाओ ना, ऐसा ना कोई ढूंढता ढांढता हमें इधर आ जाए। उनकी जिंदगियों में जितने गम है ना अम्मा, उन्हें हम याद भी नहीं होंगे। जा रही हूँ जी। शाबाश मेरा बच्चा, आए मजे किया भाभी। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना बेटा,
चुप कर जा। मम्मा वो चली गई ना, अब वो आपको तंग नहीं करेगी। प्लीज अब आप हम दोनों से बात कीजिए। छोड़ा मेरी बच्ची को, गोद से छीन के लेके चले गए, ममता का कत्ल कर दिया। बड़ो बट्टी तले दफना के चले आए, वो सांस कैसे लेगी वहां पे? जन्नत बेनाम चली गई मेरी बच्ची इस दुनिया से। जन्नत नाम रखना चाहती थी मैं उसका, आज से वो मेरी जन्नत है। मेरी, मैं कहती थी कि बदनसीब है वो, लेकिन वो बदनसीब नहीं है, बदनसीब आप है। तड़पेंगे आप सारी जिंदगी तड़पेंगे। मुझे बद्दुआ देते शर्म नहीं आती? तुम खुद एक बद्दुआ हो। मैं आपको खुशियां देना चाहती हूँ सिमरन, मैं आपको बेटा दूंगी। मीना सो जाओ आके। जन्नत रो रही है।